प्रकृति का लुत्फ उठाने के लिए आज यहाँ पर एक हमारे पीछे देख सकते हैं स्कूल से ग्रारसी से गांव से जो बच्चे आए हुए हैं, हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे कि उनको कैसा लग रहा है यहाँ गीता जयंती उत्सव पर आकर। और हमारे साथ उनके जो मैम आए हैं वो भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम, आपको कैसा लग रहा है मैम यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, हम बच्चों को लेकर आए हैं यहाँ पे और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत मस्ती कर रहे हैं और बच्चे इतने इंजॉय कर रहे हैं, इतने खुश हैं यहाँ आके कि बस बहुत मजा आ रहा है हमें। तो ये किसी एक्टिविटी में भी पार्ट लिया है यहाँ के? नहीं नहीं, हम बस बच्चों को यहाँ विजिट कराने लेकर आए हैं और बच्चे विजिट कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं देखकर। हम बच्चों से भी बातचीत करेंगे। बेटा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या क्या देखा अभी तक आपने? अभी तक डांस वगैरह देखा है। कैसा लग रहा है आपको? कौन सी क्लास से हो आप? हम 6th क्लास है। क्या नाम है आपका? हर्षित। हर्षित, हमारे बीच में एक और मैम मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम कैसा यहाँ पे जो आप हर बार लेके आते हैं बच्चों को? यस सर, एवरी ईयर। Every year. Yes, sir. तो आपका क्या मतलब क्या शेड्यूल का रहता है बच्चों के लिए कि इनको कोई यहाँ पे प्रॉपर प्रोग्राम दिखाने का रहता है? Yes, sir. जैसे हर बार कुछ ना कुछ नया होता है, जैसे इस बार इन्होंने वेस्ट मटेरियल का किया है यूज़, मैं चाहूँगी मेरे बच्चे वो देखें और अपने घर में और अपनी फैमिली में भी उसको यूज़ करें, इसी एजुकेशन के और प्लस जो हमारा कल्चर है उसको भी हम यहाँ पे देखते हैं, अलग अलग स्टेट से जो आते हैं उसको मैं दिखाना चाहूँगी बच्चों को ताकि वो फॉलो करें उन्हें, और हमारा कल्चर और जो हमारी साइंस दोनों ही हमें यहाँ मिलते हैं और धार्मिक स्थल है तो हमें वो भी हम एजुकेशन दे पाते हैं बच्चों को। थैंक यू। और प्लस फन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम सारे दिन स्टडी वगैरह बिजी शेड्यूल है टीचर्स, थोड़ा सा मस्ती भी ज़रूरी है जिससे फिर ये और ज़्यादा इन्जॉय करें। थैंक यू सर। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।